हे डीपी फैमिली, वेलकम टू डीपी लाइव कैप्चर। नमस्ते, जय जगन्नाथ टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब? मैं बहुत बढ़िया हूँ, और बढ़िया तो नहीं थी लेकिन अभी थोड़ा सा ठीक हूँ, क्योंकि दो दिन के बाद मैं आपसे मिल रही हूँ। लास्ट मैंने ब्लॉग अपना एनिवर्सरी ब्लॉग बनाया था, जैसे मैंने ट्यूसडे को बनाया था, और अभी मैं आपसे दो दिन के बाद मिल रही हूँ। आज है फ्राइडे, और क्योंकि दो दिन मुझे थोड़ा सा तबीयत ख़राब हो गया था, कोल्ड एंड फीवर टाइप का हो गया था, तो मैं दो दिन शूट नहीं कर पाई। तो अभी आज मुझे थोड़ा सा अच्छा लग रहा है, तो आज है फ्राइडे, और फ्राइडे के दिन मेरा फास्टिंग होता है। जैसे मैं ट्यूसडे और फ्राइडे फास्टिंग करती हूँ, तो आज मेरा फास्टिंग चल रहा है अभी। तो मैं अपना बाथिंग वगैरह सारा कर चुकी हूँ, दो दिन में। जैसे हमारा वेंसडे गया, ट्यूसडे थर्सडे गया, तो उसी टाइम में हमारा वो जो मार्गशीर्ष महीने का लास्ट थर्सडे जो होता है वो चला गया। मम्मा ने सारा कुछ किया, क्योंकि मुझे तो अच्छा नहीं लग रहा था तबीयत, तो मैंने कुछ भी सूट नहीं किया है। और मैंने कहा नहीं, मुझे आज ठीक होना ही पड़ेगा, तो मैंने आज थोड़ा सा मैं अपने आप को थोड़ा सा स्ट्रेंथ लेके आई, तो फिर अभी मैं आप सबसे मिल रही हूँ और आज का दिन मैं शुरुआत कर रही हूँ। जैसे आप सबको पता है कि मैं अपने फास्टिंग के दिन में हॉर्लिक्स पीती हूँ, तो ये रहा मेरा हॉर्लिक्स। तो अभी हॉर्लिक्स पीते पीते हम लोग बात करेंगे। जैसे हमारे यहाँ बहुत कोल्ड हो रहा है, क्योंकि जैसे मैं नोएडा से बिलोंग करती, मतलब उड़ीसा से बिलोंग करती हूँ, लेकिन रहती हूँ नोएडा में, तो मुझे तो 7 साल हो गए नोएडा में रहते हुए, तो मेरी तो कोल्ड की हैबिट हो गई है। लेकिन जैसे हम लोग यहाँ के, जैसे मैं यहाँ पे मेरी पैदाइश हुई है, जैसे मेरा बर्थ प्लेस उड़ीसा है, तो यहाँ का कोल्ड इतना नहीं है। लेकिन जैसे मैं दिल्ली में रहती हूँ, नोएडा में रहती हूँ, तो वहाँ का कोल्ड काफ़ी ज़्यादा है। लेकिन जैसे मैं यहाँ पे लास्ट कोविड की जो सेकेंड वेव के टाइम से मैं हूँ, लास्ट मई मंथ से मैं यहाँ पे हूँ, तो यहाँ के वेदर से मैं सेट हो गई हूँ, क्योंकि ये मेरा बर्थ प्लेस है, तो मैं यहाँ के वेदर से सेट हो गई हूँ, तो यहाँ का कोल्ड मुझे ज़्यादा लग रहा है। जबकि यहाँ के कंपैरिजन में नोएडा में, दिल्ली में बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है, आप सबको पता है, तो यहाँ पे मुझे बहुत ठंड लग रही है। मैं यहाँ पे अभी मतलब स्वेटर पहन के मैं बैठी हूँ, और आप सबको बता दूं कि सानवी बिल्कुल भी स्वेटर वगैरह वेयर नहीं करती है, चाहे दिल्ली हो चाहे यहाँ पे, क्योंकि छोटे बच्चे को सर्दी नहीं लगती है, मतलब जब लगेगी तो वो बहुत कोल्ड हो जाएगा, लेकिन जैसे नॉर्मली घर में हम सब पहनते हैं ना, वो बिल्कुल नहीं पहनती है। तो अभी मैं अपने दिन की शुरुआत ऐसे ही आप सबसे बात करके कर रही हूँ, और आगे भी बहुत चीज़ें आपको दिखाऊंगी। और अभी वो जो बैकग्राउंड में नॉइज़ आ रहा है, प्लीज़ आप इग्नोर कीजिए, क्योंकि घर में कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। मैं वो काम दिखाऊंगी कि मैं बोलती तो हूँ काम चल रहा है, लेकिन मैं दिखाती नहीं हूँ। तो आज मैं आप सबको वो दिखाऊंगी कि मतलब क्या चल रहा है, रेनोवेशन चल रहा है, क्या चल रहा है, तो मैं आपको वो दिखाऊंगी आज। और भी बहुत कुछ चीज़ें जो जो दिन में मैं करती जाऊंगी, अपना डेली रूटीन आपके साथ शेयर करूंगी। और हाँ, जो जो मेरे चैनल पे नए हैं, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और मेरे वीडियोस को एक लाइक कीजिए, और सबके साथ शेयर कीजिए, और कमेंट ज़रूर कीजिए। तो चलिए फिर मैं मिलती हूँ, अपना हॉर्लिक्स ख़त्म करती हूँ पहले, तो चलिए। रेनोवेशन का काम चल रहा है, तो ये एक रूम है ऊपर का, टॉप फ्लोर का, जो भी सारा कुछ ब्रेक करके फिर से नए से बना रहे हैं। तो ये देखिए काम चल रहा है, क्या कर रहे हो छोटू, क्या कर रहे हो? ग्लव कर रहा है। अच्छा, वो प्लास्टरिंग कर रहा है। ये देखिए हमारे रंजन भैया है, ये क्या कर रहे हो रंजन भैया? वो अभी वो जो कॉर्नर जो हम ऐसे स्लैब बनाएंगे ना, वो सेल्फ बनाएंगे, उसके लिए प्लेट्स लगा रहे हैं, और ये छोटू प्लास्टरिंग कर रहा है।
अभी ऐसे आप देख लीजिए, ये थोड़ा सा अभी ये ऐसे ही कंस्ट्रक्शन काम है, आप देख लीजिए 15-20 दिन के बाद आपको नया लुक मिलेगा। तो ये देखिए सानवी क्या कर रही है। सानवी से हेलो गाइस। हेलो गाइस। सानवी क्या बोलती है मुझे कुछ समझ में नहीं आता है, उसकी लैंग्वेज थोड़ी सी कुछ मुझे समझ में नहीं आ रहा है क्या बोल रही है सानवी। बेबी सानवी व्हाट आर यू सेइंग बेबी सानवी? उसको सारे क्वेश्चंस के साथ खेलना है अभी। ओए ओए हेलो गाइस। हाय हेलो गाइस। ये लो बाबा, डोंट शाउट। तो गाइस अभी मैं आपसे अपने छोटे भाई के इंट्रोड्यूस करवाऊंगी। तो मेरा छोटा भाई, हाय गाइस, कैसे हो आप सब? होप अच्छे होंगे। ये मेरा छोटा भाई है, इसका नाम आशु है। देखो अभी सानवी भी बोल रही है हाय गाइस। देखो अभी सानवी भी बोल रही है, हम मतलब मेरे से सुन के बोल रही है हेलो गाइस, ऐसे बोल रही है। तो प्लीज गाइस सब्सक्राइब करो यार जल्दी जल्दी, अभी तक 50 भी नहीं हुए, जल्दी करो जल्दी। भाई वैसे 50 हो गए हमारे। हो गए? यस। कब हुआ ये? आज सुबह ही हुआ। थैंक यू। पहला 50 तो माइलस्टोन होता है यार। बिल्कुल, ये पहला माइलस्टोन। जब मैंने शुरू किया था तो मुझे एक्सपेक्टेशन भी नहीं था कि जैसे हमारे चार मतलब मेरे हस्बैंड और मेरे दीदिया जो सब है ऐसे मिला के 10-12 लोग हुए थे। तब मैं सोच रही थी कि पता नहीं कैसे ग्रो होगा चैनल, पता नहीं कैसे करते हैं पार्टी पार्टी। तो अभी फाइनली आज 50 हो गए हैं, तो ये तो मेरे लिए बहुत खुशी की बात है, क्योंकि जैसे हम लोग डीपी फैमिली अभी 50 हो गए हैं। तो बैकग्राउंड में मिट्टू भैया नॉइज कर रहे हैं, तो इग्नोर कीजिएगा, मिट्टू भैया का काम चल रहा है अभी तक। ये देखिए मिट्टू भैया, भैया मैं डोर क्लोज कर रही हूँ। तो नॉइज आ रही थी इसलिए मैंने डोर को क्लोज कर दिया है। तो वो सब तो ठीक है, अभी पार्टी का क्या? पार्टी जरूर मनाएंगे, लेकिन मुझे चाहिए एक 31 में एक शानदार सा पार्टी। तो हम लोग जरूर मनाएंगे पार्टी, लेकिन वो भी होप दया आ जाए, फिंगर क्रॉस। कुछ सरप्राइज है ना ऊपर के लिए? हाँ ऊपर के लिए सरप्राइज है। तो अभी मैं सोच रही हूँ कि प्लीज दया आप आ जाओ यार, वीडियो देख रहे हो तो आ जाओ, जल्दी आ जाओ भाई, जल्दी आओ जल्दी आओ। तो ये देखिए आशु भी रिक्वेस्ट कर रहा है, भाई जल्दी आ जाओ, कितना दिन तक वहां पे रुकोगे? तो अभी बहुत सारे जैसे हमारे सेलिब्रेशन का टाइम आ गया है, क्योंकि नेक्स्ट मंथ दया का बर्थडे है न्यू ईयर को। तो मुझे लगता है दो पार्टी होगी, शायद तीन पार्टी होगी। देखो 31st की, हाँ 31st नहीं पांच कर लेते हैं, एक तो दे, तो कहते थे 50 होगी अभी। अच्छा ठीक है ठीक है, तो भाई के बर्थडे है, भाई का बर्थडे है ठीक है, फिर 31st की, जनवरी में बर्थडे, लेकिन कौन सा डेट वो आप बेच रही? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, जान में शान का बर्थडे है हमारी बेबी का, लेकिन कौन से डेट को ये आप गेस कीजिए, जिनको पता है भाई वो तो बता देंगे, लेकिन जिनको पता नहीं चीज करते जो भी बोलेगा सही ना, उनका जो भी पहला सही बोलेगा उनको शॉर्ट आउट देंगे। ठीक है, मैं उनका नाम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट ब्लॉग में जरूर लूंगी। तो इतने टाइम में आप गेस कीजिए कि कौन सा डेट है सानवी का बर्थडे, और दया का बर्थडे तो मैंने बोल ही दिया है आपको। तो चलिए फिर मिलती हूँ मैं थोड़ी देर के बाद आपसे, तो चलिए बाय 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 बाय।
सो अभी मैं आपसे मिल रही हूँ। मम्मा ने ये मुझे ये खाने के लिए दिया है, ये उड़ीसा में इसको काकरा पिठा बोलते हैं। तो कल थर्सडे था तो मम्मा ने ये थोड़ा सा ये बना के प्रसाद बना दिया था और बाकी आज बनाया है। तो आज फास्टिंग है लेकिन ये सब थोड़ा सा मैं खा सकती हूँ फास्टिंग में, क्योंकि ये प्योर घी से बना हुआ होता है, देसी घी में, तो ये खा सकती हूँ। तो टेस्ट करके देखते हैं। आज ये बहुत टेस्टी है। मम्मा जो उड़ीसा के हमारे ट्रेडिशनल फूड होते हैं, मम्मा और मेरी सासू माँ बहुत अच्छे बनाते हैं। उनके उनके मुझे बहुत काफ़ी टाइम से एक्सपीरियंस है ये सब चीज़ें बनाने में, तो बहुत अच्छा बनाते हैं। और मैं अभी फ़ोन में शूट कर रही हूँ क्योंकि मेरा कैमरे का जो बैटरी है वो लो हो गया है, उसको मैंने चार्जिंग में बिठा दिया है। तो अभी मैं फ़ोन से शूट कर रही हूँ, जो अभी ने मुझे गिफ्ट किया था एनिवर्सरी में। और अभी इसको फिनिश करके फिर थोड़ा सा सानवी को पढ़ाने बैठ, मतलब स्टडी करने में थोड़ा सा बैठ जाऊंगी मैं, इसको स्टडी करवाऊंगी। और उसके बाद आज लंच मम्मी ही बनाएंगे, क्योंकि थोड़ा सा मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, थोड़ा सा चक्कर वक्कर आ रहे हैं। तो मम्मा को मैंने बोला कि मम्मा आप ही बना दो थोड़ा सा आज, और आज फास्टिंग है नहीं तो बाहर से ऑर्डर कर लेती। तो अभी इसको पढ़ाने बैठ जाऊंगी। अभी सानवी तो नीचे ये देखिए इसका सारा टॉयज उसको ऐसे नीचे फैला दिया है सानवी ने, ये देखिए सानवी को, इसको मम्मा ने आज एक फूल लगा दिया है। लग रही है ना पूरा साउथ इंडियन बेबी। देखो वो भी बिजी है सानवी। हमें हेलो से हेलो हेलो गाइस, नहीं वो भी बात नहीं करेगी, वो भी खेलने में बिजी है अपने टॉयज के साथ। सारा टॉयज उसको नीचे फैला दिया है। अभी मैं अपना लंच करूंगी, तो देखते हैं आज लंच में क्या क्या है। आज तो मेरा फ्राइडे है तो सब कुछ बिना प्याज लहसुन का होगा, विदाउट अनियन एंड गार्लिक। तो एक थाली है
उड़ीसा के जैसे हम लोग जैसे फास्टिंग वगैरह करते हैं उस टाइम हम अगर अन्न का खाना होता है मतलब लंच खाना होता है जो लंच में अन्न खाना होता है तो हम ये सब चीज़ें प्रेफर करते हैं बनाना जो इजी भी होता है और जल्दी बन भी जाता है। तो चलिए देखते हैं क्या क्या है। तो ये देखिए ये है राइस और ये दाल और ये है बिंजल फ्राई बैंगन भाजा और ये है कच्चे केले उसकी राउंड राउंड शेप से इसकी फ्राई हुई है और ये है आलू चोखा और ये सलाद और पानी पानी तो ज़रूरी है पीने के लिए। तो बस ये है आज का मेरा लंच। तो अभी मैं लंच करूँगी फिर आप सबसे मिलती हूँ। तो फटाफट लंच करते हैं चलिए। अभी मेरा लंच हो चुका है और अभी मैं थोड़ा सा रेस्ट करूँगी क्योंकि बहुत नींद आ रही है और अभी वर्कर्स जो काम पे लगे थे घर का मतलब आज के लिए काम ख़त्म हुआ तो थोड़ी सी शांति मिली क्योंकि दिन भर इतनी नॉइज़ आवाज़ अभी भी आ रही है आपको शायद सुनाई दे रहा होगा ऊपर से आ रही है। तो अगर थोड़ा सा टाइम मिलेगा मतलब थोड़ा सा अभी फ्री मिला है ये लोग गए हैं तो थोड़ा सा मैं रेस्ट कर लेती हूँ क्योंकि हर रूम में लोग काम मतलब अपना कर रहे हैं तो हमें किसी रूम पे भी जाना पॉसिबल नहीं होता है और शाम भी परेशान करती है मतलब छोटे बच्चे तो परेशान करते हैं क्योंकि उनको ज़्यादा ये सब चीज़ें अच्छा नहीं लगता ना इतना नॉइज़ी वगैरह। तो मैं तो अभी सोच रही हूँ कि थोड़ा सा शाम को लेके रेस्ट कर लूँ तो फिर थोड़ा सा रेस्ट करूँगी फिर आप सबसे बाद में मिलती हूँ। हेलो गाइस, तो अभी हो चुका है इवनिंग नहीं कितना बज रहा है मम्मी 7:30 बज रहे हैं। तो हाँ अभी देखिए सानवी को सोना है वो गुड नाइट बोल रही है गुड नाइट बेबी सानवी बेबी गुड नाइट। हे डीपी फैमिली, तो अभी हो रहा है रात का टाइम अभी 10:30 बजने वाले हैं और मैं अपना ब्लॉग यहीं पे एंड करूँगी क्योंकि अभी मुझे जाके डिनर भी करना है। तो अभी ये देखिए गुड नाइट से गुड नाइट गुड नाइट गुड नाइट गुड गर्ल बाय बाय। तो अभी मैं जाऊंगी डिनर करने के लिए और अब इसके बाद मुझे एडिटिंग पे बैठना है और कल बहुत सारा काम है जैसे कल जो टॉप फ्लोर में है मतलब जो फ्लैट अभी बन रहा है कल उसकी जो फ्लोरिंग होगी फ्लोरिंग जो टाइल्स वगैरह ये सब होंगे और कलर वाले भी आने वाले हैं तो कल का दिन बहुत ज़्यादा हैटिक है। सानवी पता नहीं अपनी लैंग्वेज में क्या बोल रही है और फिर कल मैं आपको अपना रूटीन दिखाऊंगी कि कल क्या क्या होने वाला है। तो आज के लिए बस इतना ही फिर मैं मिलूंगी एक नए ब्लॉग के साथ नए कंटेंट के साथ और तब तक के लिए गुड नाइट टेक केयर और जो मेरे वीडियोस को नए देख रहे हैं प्लीज़ मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो फिर मिलूंगी नेक्स्ट ब्लॉग में तब तक के लिए बाय।